Hey guys, welcome to this another video of this course. The video is named How to Start and Numerical Solving Techniques. It is presented by me, that is Hariom Patel. So let's get started. So physics ki padhne ki shuruaat karne se pehle aap decide kar lo ki humne overview wale video mein kya padha tha ki physics aapko rank dilati hai. और केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलके दोनों सिलेक्शन करवा सकती हैं, है ना. तो आप डिसाइड कर लो कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हो, आपको कैसा कॉलेज चाहिए. आपको एक नॉर्मल सा कॉलेज चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसके लिए अलग से मेहनत होगी, नॉर्मल चाहिए तो उसके लिए अलग मेहनत होगी, है ना. तो आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको कितने मार्क्स चाहिए. उससे आपका लेवल ऑफ डेडिकेशन दिखाई देगा कि आप कितना डेडिकेटेड हो, क्या वो कितने मार्क्स चाहिए. तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आप कम मार्क्स या एक सिंपल से कॉलेज से समझौता सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप सोचते हो कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो प्लीज़ इस बात को भूल जाओ. क्योंकि मैं भी अब एक एवरेज स्टूडेंट था, अगर मैंने भी यही बात सोची होगी होती तो मुझे AIIMS नहीं मिलता. तो बहुत ही आसान होता है पढ़ना, बहुत ही आसान होता है इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करना क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत छोटा है. जब आप मेडिकल कॉलेज में आके मेडिकल का सिलेबस देखोगे तो सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा बहुत वास्ट होता है. तो फिर प्री मेडिकल का सिलेबस तो बहुत छोटा लगने लगता है. तो सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत आसानी से कर सकते हो, टॉपिक्स बहुत आसान आसान है. तो छोटा क्यों टारगेट करें, बड़ा टारगेट करो ना, एकदम बड़े से बड़ा. अगर 720 का पेपर है तो 720 तो ठीक है, प्रैक्टिकल बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल रीजन 720 पे टारगेट ना करो, 700 टारगेट कर दो, 650 टारगेट कर दो, एटलीस्ट 600 तो कर ही दो. अगर आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो तो एटलीस्ट 600 तो कर ही दो, वरना 650 के नीचे तो बिल्कुल टारगेट नहीं करना है किसी को भी. जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 650 से नीचे बिल्कुल टारगेट नहीं करना है नीट में, ठीक है. फिर आप एक इमेज बना लो अपने ड्रीम कॉलेज की, लाइक जिसको AIIMS चाहिए है, मौलाना आजाद चाहिए है, या फिर AFMC है या जिपमर, उसकी एक इमेज बना लो और स्ट्रांगली इतने स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करो ना कि बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस साइड हो जाए. हाँ, तो फिर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको अच्छी रैंक चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी. तो स्टार्टिंग कैसे करनी है भाई, एकदम बेसिक मैथ्स बहुत काम आती है, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग. तो ये सारे सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ लो. वेक्टर्स, जो कि हम कई सारे लोग नेगलेक्ट कर देते हैं वेक्टर्स को, ये मान के कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये बेस बनाता है, मतलब नींव डालता है सारे के सारे मैकेनिक्स की. अगर आपको वैक्टर नहीं आता तो मैकेनिक्स में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. तो वैक्टर सारा पढ़ लो और ये हर एक चीज़ को क्लियर रखना हमेशा, कि शुरुआत से ये हैबिट बना लेना कि हर चीज़ को क्लियर करना. क्लास में डाउट पूछो, टीचर से बाद में डाउट पूछो, इंटरनेट पर सर्च करो, बुक्स में सर्च करो, अपने डाउट्स हमेशा सर्च करो. ऐसा मत करना कि यार मैं कल क्लियर कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ऐसा नहीं, तुरंत के तुरंत सारे डाउट्स क्लियर करते रहना, ठीक है. तो अब बात आती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, जो बहुत सारे लोगों से नहीं बनते, मतलब बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है यार. मैं जिनसे भी बात करता हूँ जो मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते फिजिक्स के. तो आम बात है, बहुत सारे लोगों से नहीं बनते, तो हम इसमें बात करते हैं, ठीक है. तो ये बहुत ही आसान टेक्निक है, ये मैंने खुद यूज़ की थी क्योंकि जब मैंने 11th में पढ़ाई स्टार्ट की तो मैं बहुत ही ज़्यादा एवरेज था. कि शुरुआत में जब हमारा एक टेस्ट हुआ था जिसमें कि 15 क्वेश्चन थे फिजिक्स में टोटल, जिसमें 15 क्वेश्चन आए थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के और 30 क्वेश्चन थे 1D और प्रोजेक्टाइल्स मिला के, तो उन 15 में से मेरे 13 क्वेश्चन गलत थे. 13 क्वेश्चन गलत थे. वो एक ऐसा टाइम था जब मुझे यही समझ में नहीं आता था कि यार ये वेक्टर के प्रोजेक्शन क्या होते हैं, तो क्यों बनाते हैं प्रोजेक्शन, कैसे बना देते हैं, कुछ भी कर देते हैं. तो कुछ भी हो रहा था उस टाइम पर फिजिक्स में और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. बट क्या करना था, मुझे उसको इम्प्रूव तो करना था क्योंकि बिना उसके मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलता. तो मैंने क्या किया, मैंने ये टेक्निक अपनाई, ठीक है, कि ऐसे ही एक दिन बैठा और मैंने खोली एक बुक, मैं एच सी वर्मा ही खोल ली और बैठ गया, मैं थ्योरी पढ़ी उसी की.
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की थ्योरी पढ़ना शुरू कर दी, तो मुझे काफ़ी समझ में आने लगा कि अच्छा ऐसे होती चीज़ है, ऐसा ये बंदर चढ़ रहा है रस्सी पे तो ये होगा ये होगा ये होगा, तो चीज़ें थोड़ी समझ आने लगी, तो थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। एकदम क्रिस्टल क्लियर तो नहीं हो पाए थे, बट आपके हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप धीरे धीरे जब करते जाओगे ना तो हो जाएंगे, बाद में मेरे भी होने लगे थे। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ी मैंने, उसके बाद मैंने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो क्वेश्चन बनते ही नहीं थे। तो मैं क्या करता था, मैं देख के सॉल्व कर दिया करता था कि क्वेश्चन पढ़ा, थोड़ा सा सिर मारा उसमें, नहीं बना, तो अगर क्वेश्चन आपकी बेइज्जती कर रहा है तो आप क्वेश्चन की बेइज्जती कर दो, कैसे, उसको देख के सॉल्व कर दो कि ये ले मैंने तुझे सॉल्व कर दिया, है ना। तो मैंने भी यही करना शुरू किया कि जो क्वेश्चन नहीं बनता था मैं उसको देख के सॉल्व कर देता था, जो क्वेश्चन नहीं बनता मैं उसको देख के सॉल्व कर देता था। तो ऐसे ऐसे करके मैंने क्या किया, मैंने सारी की सारी एचसी वर्मा, सारी की सारी सिंगल एचसी मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2 और सारी की सारी एनसीईआरटी आईआईटी एडवांस्ड के सारे क्वेश्चन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब मिला के सारे क्वेश्चन, दिनेश की बुक भी मेरे पास थी एक मेडिकल वाली, दिनेश के सारे क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने देख के सॉल्व कर दिए। अब अगर अपेरेंटली कोई इसको देखेगा तो उसको सिर्फ हंसी आएगी कि मैं कितना बेवकूफ़, तो मैं अपने आप को कहता था कि मैंने इतनी सारी बुक सॉल्व कर ली, क्योंकि उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि आप कर रहे हो चीज़ों को। नहीं तो क्या होता है नॉर्मली कि मतलब मैं नॉर्मल की बात बता देता हूँ, तो मैंने वो किया, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार मुझे फिजिक्स आने लगी है, मैंने इतनी सारी बुक सॉल्व कर दी है तो मुझे फिजिक्स तो आने लगी है, लेकिन मैंने एक्चुअली तो मैं सॉल्व किया नहीं था। तो ये सब होता है नेगेटिव लेवल से जीरो लेवल तक आने में, ये नेगेटिव से जीरो तक आने का प्रोसेस था। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि उस जीरो लेवल से आके अब फिर वही प्रोसेस दोहराओ, कि पहले जो बुक स्टार्ट की थी उसी बुक को स्टार्ट कर लो, या कोई भी बुक उठा लो, तो आईटी ही उठा लो, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, तो अब बिल्कुल बिल्कुल आप शर्त लगा सकते हो कि 50 to 70 questions, एटलीस्ट 50 to 70 questions आप करेक्टली कर पाओगे। तो कितना आसान है यार, 0% क्वेश्चन से लेके आप 50 to 70% क्वेश्चन पर पहुंच गए हो जस्ट इन अ सिंगल अटेम्प्ट। अब मैं ये नहीं कहता कि आप इतनी सारी बुक सॉल्व करो, मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक सॉल्व करनी है जो कि एक आसान तरीका होगा और कम टाइम में कर पाओगे। तो चैप्टर खत्म होने के बाद जब आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए तो आप क्या करते हो, सिंपली आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो, है ना। तो कुछ लोगों से बन जाते हैं, जो ब्रिलियंट लोग होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो और अच्छी बुक सॉल्व करो और टफ क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। तो अगर आप पहले से ब्रिलियंट हो तो और हाई टारगेट करो और बड़ा टारगेट करो, ऑल इंडिया रैंक 1 को टारगेट करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको इससे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो बिल्कुल डिप्रेस ना हो, प्लीज़ अपने आप को कंपेयर ना करो उन लोगों से जो लोग की शुरुआत से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आप थोड़े डिफरेंट हो, है ना, आप नहीं कर पा रहे हो, तो अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो दुखी ना हो। सिंपल क्या करो कि क्वेश्चन अगर आपकी बेइज्जती कर रहा है तो आप क्वेश्चन की कर दो, कैसे, उस क्वेश्चन को देख के और सॉल्व कर दो। तो अब ये कौन से क्वेश्चन सॉल्व करो कि आप चैप्टर होने के जस्ट बाद, तो दो तरीके हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी बुक है जिसमें कि एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, लगभग 50-60 दिए होते हैं हर एक चैप्टर में, अगर ऐसी कोई बुक है जैसे कि सिंगेज की जो आती है बुक, उसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए होते हैं काफ़ी सारे चैप्टर के बीच में और चैप्टर के लास्ट में भी, तो आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर कोई और बुक ले सकते हो जिसमें कि ऐसा दिया हो, है ना। अगर कोई ऐसी बुक नहीं है तो आप यूनिवर्सल सेल्फ स्कोर ले सकते हो, उसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स तो नहीं होते लेकिन उसके जो क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं उनको आप देख के सॉल्व कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छी रेंज के होते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई बुक नहीं है देन एनसीईआरटी इज़ द रामबाण, मतलब एनसीईआरटी सॉल्व कर दो सारी सारी, उसके एग्जाम्पल्स, उसके एक्सरसाइजेस और उसकी एग्जाम्पलर, ठीक है। तो ये करने से क्या होगा कि आपको एक तरीका पता चल जाएगा, देख के करने से सिर्फ इतना होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि इस बुक के राइटर ने इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया, तो कम से कम एक तरीका तो पता चल गया आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। तो फिर अगली बार आप उसको उस तरीके से सॉल्व करोगे, फिर धीरे धीरे करके आप अपने तरीके भी डेवलप कर लोगे, ठीक है। तो 50 to 70% क्वेश्चन एक बार में हो जाना बड़ी अच्छी बात है, बट एक बार देख के सॉल्व करके बिना देखे सॉल्व करना मत भूलना, नहीं तो सारी की सारी मेहनत पानी में बह जाएगी, ठीक है। तो बिना देखे भी सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन को। ओके, थैंक यू, प्लीज़ इस टेक्निक को यूज़ करना प्लीज़।